मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बेहद खुशी हुई है कि मेरा 13 सालों में अगर देखा जाए तो पहला पब्लिक कॉन्सर्ट जो मैं फॉर्मली कर रहा हूँ जहाँ प्राइवेटली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द क्लब म्यूजिक, मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि कभी कभी इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि इतने अरसे रहने के बावजूद अपने घर में अपने शहर में मैंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। हमने तो सबसे पहले यही सोचा कि अदनान सामी जो आर्टिस्ट हैं और जो इनका हुनर है, जो इनके स्किल्स हैं, जो ये पियानो बजाते हैं, अगर आप इनके घर जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका शौक जो है ग्रैंड पियानो इनके लिविंग रूम में है। जैसे आप एंटर करते हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि अदनान को पियानो और कीबोर्ड्स का कितना शौक है। तो ये हमने कहा कि कोई आर्टिस्ट आज तक हमने लिया नहीं है जो कीबोर्ड ऐसा बेहतरीन बजाए और पियानो बजाए। तो अदनान वैसे भी बड़े स्टार हैं, उन्होंने एल्बम्स भी लॉन्च किए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी तो आप समझते ही होंगे। तो वो सब पॉपुलैरिटी को नज़रअंदाज रखते हुए, उनका जो पियानो बजाने का अंदाज है वो रखते हुए, हमने सोचा कि द बेस्ट थिंग वुड बी टू गेट अदनान ऑन बोर्ड दिस टाइम। कॉन्सर्ट्स हम करते रहते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, स्टेडियम्स में करते हैं, अरीनाज में करते हैं, ग्राउंड्स में करते हैं, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ इस स्टेज की है क्लब म्यूज़िक की, वो ये है कि हम एक बहुत ही करीब होकर अपने ऑडियंस के साथ, जो जिनके साथ हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्त यार जो इंडस्ट्री के हैं म्यूजिशंस, उनके साथ मिलकर हम ये म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं ऑन स्टेज। तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अलग है। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस संडे को 16 सितंबर मैं अपना कॉन्सर्ट फाइनली मुंबई में पेश करूंगा। मैं अभी अपनी जो नई एल्बम है उस पर फिनिशिंग टचेस में दे रहा हूँ और मेरे ख्याल में 2 महीने में इंशाल्लाह मेरी नई एल्बम फाइनली रिलीज हो रही है। बहुत गैप हो गया। जी ऑफ कोर्स होगा। बीना और हम इसी बात पर सोच कर रहे थे और हम दिमाग लड़ा रहे थे कि अब अदनान के बाद क्या किया जाए। तो बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा आप सबको, और फीमेल्स भी हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल डोमिनेंट शो है, देयर विल बी वेरी वेटरन आर्टिस्ट। इनफैक्ट आशा जी से भी हमने बात की है, और डोंट बी सरप्राइज अगर आप उन्हें बहुत जल्द देखें हमारे बीच।